अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स पॉइंट। सबसे पहले आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फाइनल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का, और इंग्लैंड ये मैच जीत कर चैंपियन बन गया है। पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी है इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड ये तीसरी मरतबा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को हराया, और आज का जो मैच था वो फाइनल में हराया पाकिस्तान को मेलबॉर्न की ग्राउंड में। सो पाकिस्तान को 1992 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री रिपीट करने का मौका नहीं मिला। सो पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, पाकिस्तान इंग्लैंड से 5 विकेटों से हार चुका है। अच्छा क्रिकेट खेली है इंग्लैंड, और जो अच्छा खेली है वो डिज़र्व किया है, और इंग्लैंड को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन इंग्लैंड की टीम को बहुत बहुत। और इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली है, बहुत अच्छा खेल कर वो यहाँ तक पहुँची, और एक कह लें कि डिज़र्व करती थी इंग्लैंड चैम्पियन बनना, और बनी भी है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को भी ये नहीं कि पाकिस्तान बुरा खेला, पाकिस्तान बहुत आउट क्लास खेला है क्रिकेट, लेकिन हाँ हार्ड लक भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान का दिन नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट को, थ्रू आउट टूर्नामेंट, एक अच्छा खेल पेश किया। मास हुए पहले 2 मैचेस में जिस तरह टीम वापस आई है, कम बैक किया, एक मतलब एक यूनिटी बरकरार रखी है पाकिस्तान में, बहुत अच्छी चीज़ थी ये। सो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेल पेश किया। हमें बिल्कुल गिरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ़ यू, आप लोग हमारे हीरो हैं और हमारे हीरो ही रहेंगे, कोई मसला नहीं है। हमारे लिए ये टर्निंग पॉइंट ये बना था कि शायद शाहीन अफरीदी का जो कह लें कि इंजरी हुई है, वो पाकिस्तान के लिए एक मेजर ब्लो था, जिसका इम्पैक्ट पड़ा है पूरा पूरे मैच के ऊपर। कह लें कि हाँ, ये मैच अगर शाहीन इंजर्ड ना होते तो शायद पाकिस्तान जीत भी सकता था, क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आ चुका था। पाकिस्तान ने बेशक 138 का टारगेट दिया था, पाकिस्तान उस टारगेट को बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहा था। जो स्पेल किए नसीम शाह ने, उसके बाद इसके साथ कह लें कि हारिस राउफ ने, और फिर शुरू में जो स्पेल किया शाहीन शाह अफरीदी ने, अब मैं कहता हूँ क्या कमाल के स्पेल थे। इस तरह के स्पेल पूरे वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिले। काफ़ी सीनियर जितने भी प्लेयर्स थे, जो क्या कहती हैं हमारे कह लें कि कमेंटेटर्स थे, सब ने ये बोला कि 138 का टारगेट सिर्फ पाकिस्तानी टीम है जो डिफेंड कर सकती है इस तरीके के साथ। सो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई पाकिस्तान के बारे में तारीफ़ करता है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप तो मैं कहता हूँ कि कमाल की बॉलिंग लाइनअप है, दुनिया का नंबर 1 बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का इस टाइम, ठीक है। सो इमरान खान ने भी आज काफ़ी तारीफ़ किया हमारे बॉलिंग अटैक की। बेशक हम हार चुके हैं, लेकिन हमारे हारने के बाद भी सर ऊँचे हैं, फ़ख्र से बुलंद हैं। इन लड़कों ने कह लें कि जान मारी है, नज़र आया लड़कर हारे हैं, और हमें बिल्कुल कोई दुख नहीं है। हम अपने इन लड़कों से खुश हैं, और इन लड़कों को एक ही पैगाम देते हैं कि आप लोग सर उठाकर पाकिस्तान वापस आएँ, हमें आप पर फ़ख्र है, और हमेशा हमें आप पर फ़ख्र रहेगा, क्योंकि आपने अभी आगे जाके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करनी है और बहुत कुछ हासिल करना है। सो लड़कर गिरकर खड़े होना, यही एक हमारी निशानी है। सो पाकिस्तानी टीम को एक दफ़ा, पाकिस्तान टीम को भी एक दफ़ा बहुत बहुत मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने फाइनल खेला है। पाकिस्तान बेस्ट टीमों से निकल के आई है, और 2 बेस्ट टीमें फाइनल खेलती हैं, एक जीतती है। सो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, इंग्लैंड पहले नंबर पे है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में कभी हम एक मैच नहीं जीते जो कि हम फाइनल खेलें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का। सो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के चेयरमैन रमीज राजा ने प्लेयर्स को ऐसे हक किया, मतलब बाबर आजम को हक किया उन्होंने, और फिर हारिस राउफ को उन्होंने प्यार दिया, ऐसे दिया जैसे पूरी कौम देना चाहती है उनको। सो रमीज राजा पाकिस्तानी कौम की एक तरफ से कहने के रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको एक प्यार दिया, एक मतलब उनको थपकी दी है पाकिस्तान की तरफ से कह लें, वो रमीज राजा की तरफ से नहीं, पूरी कौम की तरफ से अपने प्लेयर्स को। सो वी सैल्यूट यू। तो हमारा दिल आपने काफ़ी खुश किया है, हमें कोई अफसोस नहीं है। सिर्फ एक मेजर इंजरी जो शाहीन की हुई है, शाहीन की इंजरी का दुख ज़्यादा हमें कि वो इंजर्ड हो गया है। अब आई डोंट नो वो मुकम्मल तौर पर फिट कब होगा कब नहीं, हमारी यही दुआएं कि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी जल्दी ठीक करें, मुकम्मल तौर पर फिट करें, ताकि आगे 2023 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े, क्योंकि ये इंजरीज काफ़ी करियर ख़राब कर देती हैं पूरे पूरे यंगस्टर्स का। सो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। सो पाकिस्तान ने ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, और इंग्लैंड को एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू।